सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज डे टू है ट्रैवल का, तो आज हम चंडीगढ़ टू जयपुर करेंगे, विच इज़ अराउंड 480 किलोमीटर्स। तो हमारी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, ये देखिए, रास्ते में अगर लगा तो कहीं पर वॉशिंग कर लूँगा मैं, इसकी करवा लूँगा आई मीन। तो बॉब और लैला भी बिल्कुल हेल्दी एंड वो है, अरे कहाँ गए, अच्छा वो आगे चले गए हैं। तो आज का आई मीन मज़ा आने वाला है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है इस वक्त, कश्मीर की तरह वो इतनी ठंड नहीं है, बिल्कुल कैन सी। अभी मैंने हाफ स्लीव्स पहना हुआ है, तो चलो चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:15 हो गए हैं, तो ये ट्रैवल टाइम बता रहा था कुछ 7-8 आवर्स, तो विल ट्राई टू यू नो मैनेज इन दैट ओनली। जयपुर पहुँच के होटल पे चेक इन करके हम कहीं थोड़ा घूमने निकलेंगे, तो अगर टाइम बचा तो चलो लेट्स गो। चंडीगढ़ छोड़ चुके हैं, अभी अंबाला वाले हाईवे पे आ गए हैं। तो ये हाईवे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख लीजिए, हाईवे बहुत प्यारा है। तो यहाँ से हम अंबाला पहुँचेंगे कुछ टाइम में, और वहाँ पर कहीं रुकते हैं, फिर आगे बात करता हूँ। चल रहे हैं हाईवे पे, ये जो लैला और बॉब है इनको थोड़ा लू ब्रेक के लिए रुके उनको। ये बॉब है, ये आगे आ जाते हैं ना, जैसे हम गाड़ी निकालते हैं ये लोग आगे आ जाते हैं। तो ये बॉब और लैला फ्रेश हो गए हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी गर्मी लग रही है हमको, कम से कम 30 डिग्री तो होगा। और मैप दिखा रहा है 417 किलोमीटर्स टू जयपुर, तो चलो चलते हैं। ये एक हाईवे पे हम चल रहे हैं, यहाँ पर स्पीड लिमिट्स है और वो स्पीड डिटेक्टिंग कैमरास लगे हुए हैं, तो 80 to 100 के बीच में ही चलना पड़ रहा है। अभी हमें लग रहा है कि हम वो स्नेल स्पीड से चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे स्लो चलना, बट क्या करें, टू अवॉइड चालान एंड फाइंस वी हैव टू फॉलो द रूल्स। और ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि ऐसा मक्खन जैसा हाईवे होगा तो ऐसी बात ही नहीं है, कोई क्रूज नहीं करेगा। चलो चलते हैं हम स्लो स्लो। ये देखिए, ये है कैमरा लगा हुआ। अभी जयपुर 275 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से, और ये हमने नया हाईवे पकड़ा है, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। गूगल बता रहा था कि जुलाई 2022 में ये ओपन हुआ है, नरुला हाईवे कहते हैं इसको, एक्सप्रेसवे है। और ये हम यहाँ पर आ चुके हैं शेर पंजाब ढाबा में, यहाँ पर हम लंच करेंगे और फिर आगे चलेंगे। हमने दो थाली ऑर्डर किए, ये खाते हैं फटाक से तो चलते हैं फिर। अभी हम इनकी फीडिंग ब्रेक के लिए रुके हैं, ये लैला खा रही है, बहुत थोड़ा नखरे कर रहा है, इसको ट्रीट्स खाने हैं। और हम यहाँ पर कोतपुतली एक जगह है राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर पहुँचे हैं अभी।
तो राजस्थान में पड़ता है फोर्ट, यहाँ पर पहुँच गए हम अभी। तो आप थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे क्योंकि नींद आ रही थी काम, तो उसके बाद जल्दी से निकल जाएंगे। गाड़ी एकदम मस्त चल रही है, नो इश्यूज एट ऑल, नॉट ए सिंगल पंचर, नो नथिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। चलिए तो चाय वाला नाश्ता हो गया है, तो फ्रेश सफर फ्रेश भी हो गए हम लोग। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई वॉज ट्राइंग टू बुक माई स्टे इन जयपुर, बट जहाँ पर भी कॉल लगा रहा हूँ या मेक माई ट्रिप पे चेक कर रहा हूँ, वो पेट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि भाई पेट्स तो हमारे साथ हैं लैला और बॉब, मगर उनको उनके लिए अकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है। तो वही अब फिगर आउट कर रहे हैं क्या करें। तो अब कुछ फ्रेंड्स को कॉल करूँगा, वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेज टाइम के, तो आई विल कॉल देम एंड सी अगर वो हेल्प कर पाए कुछ, तो आई विल अपडेट यू गाइस। तो गाइस हम जयपुर एंटर कर रहे हैं, ये फाइनल टोल है, इसके बाद अराउंड 25 किलोमीटर्स होगा हमारे होटल तक। होटल की भी अपडेट दे देता हूँ मैं। तो एक होटल वाले ने बहुत मुश्किल से माना पेट्स को रखना, बोला कि डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए किसी गेस्ट को, ये वो सब। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें क्या डिस्टर्ब करेंगे, वो रूम के अंदर रहेंगे। तो ये पॉलिसी मुझे समझ नहीं आई इन होटलियर्स की। तो पेट्स तो काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं पेट ओनर्स के लिए, तो नॉर्मली अलाउड होने चाहिए। तो एनीवेज अब हमें मिल गया है होटल, हम वहाँ पर जाते हैं, तब मिलते हैं आपसे। हमने चेक इन कर लिया है होटल में, तो अभी ये भी आ गए हैं, इनका सामान सब रख दिया है वहाँ, और बॉब शायद कहीं लापता हो गया, दिख नहीं रहा। अभी हम कुछ टाइम में फ्रेश हो जाएंगे और फिर निकलेंगे थोड़ा सा जयपुर घूमने के।